क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन इन द फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास ये चार डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो हमें बताना है कि जब पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एच लूज करेगा, एच पॉजिटिव, तो मतलब सबसे ज्यादा इजीली कौन सा करेगा। ठीक है, देखो आपको पता है जो ये सी ओ एच ग्रुप है ना, दो चीजें आप याद रखो। पहली चीज कि जो सी ओ एच है ग्रुप, ये माइनस आई ग्रुप होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो एसिडिक कैरेक्टर है ना वो उतना ज्यादा होता है जितना ज्यादा इस पे विड्रॉइंग चार्ज या माइनस आई होगा। ठीक है, अगर माइनस आई ग्रुप लगा है तो चार्ज, अगर कोई विड्रॉइंग चीज लगी हुई है या माइनस आर लगा हुआ है ग्रुप, तो उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सी ओ एच सी ओ एच। ठीक है, इनके बीच में एक कार्बन है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा माइनस। ठीक है, ये दिखाएगा। हम दूसरा देखते हैं, इसके बीच में एक दो तीन कार्बन जो है ना, तो ये वाला जो है वो इससे कम इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। तो बेसिकली हमें इन चारों में क्या करना है, हमें देखना है कि जो फॉर एग्जाम्पल हम लेट से कि हम इसमें बोल रहे हैं ये लूज कर रहा है अपना एच, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें। ठीक है, तो अब हम इन सब में क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा इंडक्ट माइनस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हो जो ये थर्ड ऑप्शन है ना, अगर इसकी मिलती है वन, ये है टू, ये है थ्री और ये है फोर, तो इसमें आप देख सकते हो जो थर्ड है इसमें सबसे कम डिस्टेंस है, तो इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो क्या मतलब है कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो लिख दो पहले थर्ड, इसके बाद कौन सा, इधर पे दो कार्बन है, यहाँ तीन है और यहाँ एक ही है, तो मतलब ये वाला होगा क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है, कम डिस्टेंस है इससे, इन दोनों से तो कम ही है, तो हो जाएगा यहाँ पे वन। फिर सिमिलरली यहाँ आ जाएगा फोर और यहाँ आ जाएगा टू। तो यही आपका ऑर्डर है ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। बाय गाइस।